बहुत से पीपल कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगी। सो गाइस, कई दिन से प्लानिंग थी कि जो मेरी बुलेट है उस पर मैं फॉग लैंप्स लगवाऊँ, बिकॉज रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और हाईवे पे इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करा जाता टू व्हीलर्स को। सो उस केस में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सो आज मैं आपको बताऊँगा कि जो फॉग लैंप्स हैं आप अपनी बुलेट पे, रॉयल इनफील्ड पे कैसे लगवाएं, और मैं चीपेस्ट और सबसे बेस्ट जो फॉग लैंप्स हैं वो लगवाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब बटन पे दबाना ना भूलें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे दबा देंगे उसके बाद आपके पास एक बेल आइकन आएगा और उसे भी दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने कब नई वीडियोस डाली हैं। तो गाइस, ये दो लाइट हैं और ये स्विच है, यूनिवर्सल स्विच है ये ऑन ऑफ करने के लिए, और ये दो फॉग लाइट्स हैं। और अब बेसिकली पहले प्लान तो था कि यहाँ पे ऊपर लगवाने का, बट ऊपर ये इंडिकेटर ये अड़ रहा था तो इसको हम नीचे की तरफ करेंगे ताकि इंडिकेटर बिल्कुल भी दिक्कत ना दे, और एक इस तरफ लगेगी साइड में, और जो इनका स्विच है वो एकदम सेपरेट रहेगा। तो इंस्टॉलेशन अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगा कि कैसे होगी इंस्टॉलेशन। Turn it on.
stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. I'm with my strategy. When that's enough, then I would just have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When that's enough, then I would just have to leave. Yeah, shooting. Yeah, shooting. Yeah, shooting. Yeah, shooting shots. सारी वीडियो तो दिन में ही कंप्लीट हो गई थी, बट जो मेन चीज है वो तो रात को ही पता चलेगी कि इनकी लाइट कितनी है। तो मैं एक बार एकदम डार्क एरिया में ले जाता हूँ जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा रोशनी है और ये खड़ी बुलेट। और मैं एक बार जो इसकी लाइट है वो बंद कर देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि जो सिर्फ फॉग लैंप्स हैं उनकी लाइट कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी लाइट कितनी ज्यादा और कितनी दूर तक है। और जो मेन चीज है वो ये है कि जो सामने का एकदम साफ दिखता है सब कुछ, और लाइट दिखाने के बाद जो आपको फ्रंट का है वो दिखेगा, बट जो पास का है वो फॉग जो लाइट है इससे एकदम साफ दिखता है। और मैं एक बार आपको आगे जाके भी दिखा देता हूँ कि आगे से कैसी दिखती है ये। सो गाइस, आपको वैसे तो दिख नहीं रहा होगा बिकॉज बहुत ज़्यादा रोशनी है उसकी वजह से, बट फिर भी थोड़ा अंदाज़ लगा सकते हैं आपकी नीचे से। आप देख सकते हैं कैसी लाइट है ये। गाइस, आप देख सकते हैं कि एकदम अंधेरा है यहाँ पे और बिल्कुल भी लाइट नहीं है, और इन फॉग लैंप से कितनी ज़्यादा लाइट है। और ये मैं चलते हुए बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी शेकिंग हो सकती है वीडियो में।
बट जो मेन पर्पज है मेरा वो ये दिखाना है कि कितनी ज़्यादा लाइट है सिर्फ इन दो छोटे छोटे फॉग लैंप से। और मेन चीज़ है कि रात को बहुत ज़्यादा काम आते हैं अगर आप हाईवे पे जाते हैं या फिर किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे मतलब टू व्हीलर को खतरा होता है फोर व्हीलर से। सो जो मेरा मेन मोटो है वो ये दिखाना है कि इनसे लाइट कितनी ज़्यादा है। गाइस आप देख सकते हैं कि सारी रोशनी ये सारी इन फॉग लैंप से नीचे, तो ये जो फॉग लैंप चल रहे हैं। और गाइस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कुछ यूज़र ऐसे बोलेंगे कि मतलब इनसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है जो आगे लोग जाते हैं और उन लोगों की आंखों में लगता है। तो मैं मेन चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब हम हाईवे पे जाते हैं तो टू व्हीलर्स पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और सिर्फ इन लाइट्स की वजह से हम नोटिस में आ सकते हैं। सो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, जो इनकी कॉस्ट है वो 800 रुपये और जो स्विच है ऊपर का वो अराउंड 100 रुपये का पड़ा है। तो टोटल जो कॉस्ट पड़ती है अराउंड 950 पड़ती है वायरिंग के साथ और सबके साथ। और मेरे हिसाब से 950 में एकदम वर्थ है बिकॉज जो रोशनी इनसे मिलती है बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो गाइस लास्ट में बोलना चाहूँगा, अगर आपको ऑलरेडी पसंद आई तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। थैंक्स।